ग्रेड 4 एंड सब्जेक्ट हिंदी में आज का हमारा नेक्स्ट लेसन है सोनू को सीख मी। तो बच्चों आगे के वीडियो में हमने मैं मक्खी हूँ उसके बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोनू को सीख मी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था, यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा, उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। तो बच्चों हमने पढ़ा ये लेसन में कैसी कहानी है ना। तो अब हम ये पूरी कहानी को समझेंगे। सोनू को केला बहुत पसंद था। केला मतलब केड़ू। सोनू ने केड़ू खूबज पसंद हतु। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। छिलका का मतलब क्या होता है? छिलका यानी छाल। ते केड़ू खाई ने छाल आम पैर फेंकी दे तो हतो। छिलका मतलब छाल। केले का जो छिलका होता है वह सोनू खाकर इधर उधर फेंक देता था, यह उसकी आदत थी। उसकी मतलब तैनी। आ तैनी आदत हती। आदत मतलब टेव। आ तैनी टेव हती। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, बेटा केड़ू खाई ने छाल हमेशा टोपली मार नाखी दे। टोकरी मतलब टोपली। हमारे घर पे कचरा फेंकने के लिए जो टोकरी होती है, कचरा है ना, उसे गुजराती में टोपली कहते हैं। उसमें हम कचरा डालते हैं। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। आम तैम छाल फेंक भी खराब बात छे। बुरी बात यानी खराब बात छे। सोनू माँ की इस दिख पर ध्यान नहीं देता था। सोनू मानी आ शिखामण पर ध्यान आप तो न हतो। सीख सीख यानी शिखामण बोध पाठ। सोनू मानी आ शिखामण की बोध पाठ पर ध्यान आप तो न हतो।
एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते में फेंक दिया। एक दिन से सोनू एक केड़ू खादु और एक छाल रस्ता मांझ फेंकी दीदी। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। तेज समय सोनू एक जमीन पर पड़ती एक पतंग जोई गिरती आनी। तेज समय सोनूए जमीन पर पड़ती एक पतंग जोई। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। सोनू ते पतंग ने पकड़वा माटे दौड़ो। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा। तेनो पग केड़ा नी छाल पर पड़ो और वह फिसल गया। अने ते लपसी गयो, फिसल गया, फिसल गया, यानी कि लपसी गयो। उसके घुटने में चोट लगी। तेना घुटन मा तेने वाग्यू। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। तेज दिवस थी सोनू ए फलों ना छाल ने आम तेम न फेंकवानी कसम खाई। कसम यानी सौगंध, शपथ। तेज दिवस थी सोनूए कसम लीधी, शपथ लीधा के आज पछी फड़ो ना छाल छोतरा आम तेम फेंकशे नहीं। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। हवे ते छाल फड़ो ना छोतरा हमेशा कचरा ने टोपली मांझ नाखे छे। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन में समझ में आया? सोनू को सीख मिली ये कहानी में। आपको कहानी समझ में आई ना? यह सोनू नाम का एक लड़का था। उसे केला बहुत पसंद था। केला का फल इधर उधर फेंक देता था, है ना? क्या कचरा या फिर फलों के छिलके हमें इधर उधर डालने चाहिए? नहीं। तो एक दिन उसने केला खाकर सड़क पर फेंक दिया। लेकिन एक दिन उसी के फेंके हुए छिलके पर उसका पैर पड़ा और वह फिसल गया, उसे चोट भी लगी। तो बच्चों, क्या आप भी ऐसा करते हो? हाँ, तो मत करना अगर करते हो तो। तो बच्चों, ये लेसन के कुछ शब्द थे, है ना, जो हम एक बार पढ़ेंगे। केला यानी केड़ू, छिलका मतलब छाल, उसकी तैनी, आदत मतलब टेल, टोकरी यानी टोकरी, हमारे घर में जो कचरा फेंकने की टोकरी होती है वह, सीख यानी कि शिखामण, बोध पाठ, गिरती, पड़ती, फिसल गया यानी लपसी गया, कसम यानी कि सौगंध या शपथ। तो बच्चों, आपको ये कहानी में मजा आया? यस, और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कचरा इधर उधर डालना चाहिए नहीं, चाहे वो फलों के छिलके हो या फिर कोई और कचरा हो, हमें इधर उधर डालने नहीं चाहिए, कचरा टोपली में ही।